Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I am science teacher of grade 3 from IBA Islamia Public Higher Secondary School Ghotki. Today we are going to start chapter 17 Electricity and Magnets on page number 117. From chapter 17 our today's topic is electricity. Dear students, imagine karein, suppose karein ki ye aap hain aur raat der ko aapki आंख खुलती है आप देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा है बल्ब भी बंद है और पंखा भी बंद है आपको गर्मी भी लग रही है और गर्मी की वजह से आपको प्यास लग रही है अब आपको ठंडा पानी भी पीना है आप सोच रहे हैं कि मैं फ्रिज से जाकर ठंडा पानी निकाल के पीता हूँ पर कमरे में अंधेरा है फिर भी आप उठते हैं और मुश्किलों से जाके फ्रिज की तरफ पहुंचते हैं फिर आप फ्रिज से पानी निकालते हैं जैसे ही आप पानी निकालते हैं देखते हैं कि पानी तो ठंडा है ही नहीं तो आप कहते हैं ये क्या घर में अंधेरा है और पंखा भी नहीं चल रहा गर्मी भी लग रही है पानी भी ठंडा नहीं है तो फौरन से आपके दिमाग में ये ख्याल आता है अरे हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं ओहो अब मैं क्या करूँ आप बार बार सोच रहे होते हैं परेशान हो रहे होते हैं तंग हो रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे घर में रोशनी भी होती है पंखा भी चल रहा होता है फ्रिज में ठंडा पानी भी हम निकाल के पी रहे होते हैं तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बग़ैर हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है क्योंकि हम तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसलिए हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट For us in our daily life. इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है It is very difficult to live without electricity. और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहना ज़िंदगी गुजारना बिकॉज़ वी आर टोटली depend on electricity क्योंकि हम पूरा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ओके स्टूडेंट्स ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन पे कुछ पॉइंट्स
अब आते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होती हैं? थिंग्स व्हिच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैन, आयरन, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यानी वो चीज़ें हैं जो बिजली पे वर्क कर रही होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो बिजली पे चलती हैं, ये उनमें से कुछ हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक था, इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।